स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि और आप देख रहे हैं मायापुरी रीजनल, जहाँ पर हम आप तक सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पंजाबी, साउथ और भोजपुरी सिनेमा यानी कि पूरे इंडियन सिनेमा की सारी अपडेट्स पहुँचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। टीवी जगत से एक बुरी खबर सामने आ रही है। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर सुनील होलकर इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। एक्टर की उम्र महज 40 साल की थी। 13 जनवरी को उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी माँ, पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुनील पिछले कुछ दिनों से लिवर सोरायसिस से पीड़ित थे। उनका इलाज चल रहा था मगर अचानक वो इस दुनिया से चले गए। इतनी कम उम्र में एक्टर के निधन से फैंस को तगड़ा झटका लगा है। मायोसिटिस की बीमारी से जूझ रहे साउथ फिल्म एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पेट्स के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ ही फिल्म स्टार ने बताया कि मुश्किल वक्त में उनके पेट्स उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। उनके पोस्ट देखने के बाद उनके फैंस काफी इमोशनल हैं और लगातार कॉमेंट्स कर रहे हैं। रैगर के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद एक्टर विजय देवरकोंडा लोगों की नजरों से गायब हो गए थे। समांथा रूथ प्रभु स्टारर उनकी अगली फिल्म कुशी की शूटिंग भी फिलहाल रुक गई। वहीं सुकुमार के साथ आने वाली विजय देवरकोंडा की फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। अब अर्जुन रेड्डी ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर फैंस को राहत की सांस दी है। विजय देवरकोंडा ने अपनी 12वीं फिल्म का ऐलान करते हुए बताया कि वो जर्सी निर्देशक गौतम तिन्नूरी की अगली फिल्म में काम करेंगे। मक्खी फेम तेलुगु स्टार नानी जल्द ही अपनी अगली फिल्म दासरा लेकर दर्शकों के बीच पहुंचने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच अभी से ही खासा क्रेज है। इस बीच फिल्म स्टार ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद अपने नए लुक से फैंस को इम्प्रेस कर दिया है। तमिल फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी की डेटिंग न्यूज ने बीते दिनों खासा बस क्रिएट किया था। ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक्टर अर्जुन दास के साथ अपनी एक कोजी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रेड हार्ट इमोजीज भी लगाए थे, जिसके बाद इनके लिंकअप की खबरों को खूब हवा मिली। अब एक्ट्रेस ने एक नई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को बताया है कि वो उन्हें डेट नहीं कर रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि एक दोस्त के तौर पर उन्होंने ये तस्वीर शेयर की थी। कॉलीवुड स्टार रजनीकांत की अगली फिल्म की खबर ने भी सोशल मीडिया पर खासा बस क्रिएट किया हुआ है। खबर है कि थलाइवा जल्द ही जय भीम फिल्म निर्देशक के साथ अपनी अगली फिल्म का ऐलान करने वाले हैं। रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म को लाइका प्रोडक्शंस बनाने वाला है। सोशल मीडिया पर आए दिन हर दूसरा इंसान वायरल होता नजर आता है। बीते दिनों एक ऐसे ही शख्स का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जो कि जेल में बैठे हुए पवन सिंह के भोजपुरी गाने को गुनगुना रहा था। जेल में बैठे शख्स की वीडियो इतनी वायरल हुई कि देखते ही देखते हर तरफ छा गई और उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर मिल गया। बीते दिनों खबर आई थी कि इस इंसान को जेल में बंद इसलिए किया गया था क्योंकि ये शराब के नशे में धुत था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस आदमी को जेल में बंद करने की असली वजह शराब तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ पवन सिंह भी थे। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कन्हैया राज नाम के शख्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर खुलासा किया है। कन्हैया राज ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो शराब के नशे में होने की वजह से बंद नहीं हुए, बल्कि पवन सिंह पर अश्लील गाना गाने की वजह से गिरफ्तार हुए थे। उनके खिलाफ पावर स्टार पवन सिंह के चाहने वालों ने FIR दर्ज कराई थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जेल में बंद होने के बाद कन्हैया ने उस शख्स से माफी मांगी और वो वीडियो भी डिलीट किया। रानी चटर्जी भोजपुरी जगत की मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक है। रानी का नाम मशहूर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के साथ भी जुड़ चुका है। रानी अक्सर अपने बेबाक अंदाज से सबको हैरान करती हुई नजर आती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब एक फैन ने रानी चटर्जी से शादी को लेकर सवाल किया। रानी चटर्जी अक्सर अपने फैंस के साथ बातचीत करते हुए नजर आती हैं। रानी को अपने चाहने वालों से जुड़े रहना पसंद है। ऐसे में जब रानी चटर्जी से उनके चाहने वाले ने ये कहा कि वो पवन सिंह से शादी कर लें क्योंकि उनकी नजर में वो भोजपुरी किंग है, फैन की रिक्वेस्ट सुन एक्ट्रेस ने बड़े ही धाकड़ अंदाज में इस फैन को जवाब दिया। रानी चटर्जी ने रिप्लाई करते हुए कहा, फनी, एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आज मायापुरी रीजन में बस इतना ही। आगे के सिनेमा से जुड़ी हर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।